आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका उत्तर है 37 अंश सेंटीग्रेड। 37 अंश जो सेंटीग्रेड होता है वह मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। इसका उत्तर क्या है? झेलम नदी पर जो परियोजना बनी हुई है वो है तुलबुल परियोजना, और तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? वो बनी हुई है झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था वह अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जो लिंगराज मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? वह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पंपास। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका के चारागाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वह हुआ 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन जो तैयब जी थे वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो सौरमंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह होता है वह होता है शुक्र ग्रह। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है पटाका। पटाका जो मुद्रा है वह मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर है मौर्य वंश का। मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह है राजस्थान में। राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी भरतपुर राजस्थान में स्थित है। साहब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगर कहलाता है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। यहाँ ये मिस्टेक हो गया है, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। गुलाबी नगर के रूप में जाना जाता है जयपुर को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में बार बार परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में कोई धन विधेयक है या नहीं, यह कौन प्रमाणित करता है? तो यह प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक प्रमाणित करता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त बार बार परीक्षा में पूछा गया, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरसोप्पा जोग प्रपात जिसे जोग भी कहते हैं, तो गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? गरसोप्पा प्रपात बना है सरावती नदी पर। गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर बना है? वो बना है सरावती नदी पर बना है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो वो है लंदन में। हम इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। इंडिया हाउस इंडिया के नाम से जो है हम इंडिया के किसी भी प्रदेश में लगा कर आ जाते हैं। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? वो है लंदन में इंडिया हाउस। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चोल राजाओं की राजधानी क्या है? चोल राजाओं की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है तंजौर। तंजौर जो है वह चोल राजाओं की राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ी जो खारे पानी की भारत की झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील मानी जाती है वो मानी जाती है बुलर झील, बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वह थी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है वह किस शासकों ने बनवाया था? तो इसका उत्तर है गंग वंश के शासकों ने। गंग वंश के शासकों ने जो है पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का जो प्राचीन नाम है तो इसका उत्तर है जय संहिता। जय संहिता जो है वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की और इसका जो प्राचीन नाम था वह था जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या है? तानसेन का जो असली नाम है वह है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? जो संसद की दोनों सदनों की जब बैठक होती है तो इसकी संयुक्त जो बैठक होती है वह कौन करता है? वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक करता है। तो दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो संकलन किया था वो आपने देखा। ये क्वेश्चन वो हैं, आप भी देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को बार बार परीक्षाओं में पूछा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे आप सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों तक जो है यह वीडियो पहुंच सके। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जय हिंद।